हेलो एवरीवन मेरा नाम है एरी और आप देख रहे हैं एरी इन जर्मनी वापस से मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ और क्योंकि मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि जर्मनी में पढ़ने के लिए मतलब कि बैचलर्स और मास्टर्स करने के लिए अप्लाई कैसे करना है तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देती हूँ जिसमें स्टेप step बाय स्टेप आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी कि कैसे अप्लाई करना है और आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्या मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए अगर आप बैचलर्स प्रोग्राम करने का सोच रहे हो या फिर आप मास्टर्स प्रोग्राम करने का सोच रहे हो जर्मनी से बैचलर्स प्रोग्राम करने के लिए जर्मनी थर्टीन ईयर्स की मिनिमम एजुकेशन मांगता है तो आप जब ट्वेल्थ कंप्लीट कर रहे होते हो तो उसको ट्वेल्व ईयर्स ही काउंट किया जाता है आपका नर्सरी एल के जी यू के जी ये सब काउंटेड नहीं होता ये इंक्लूडेड नहीं होता है तो अब ये एक साल का जो डिफरेंस है वो कैसे कंप्लीट होगा उसके लिए स्टूडेंट कॉलेज होता है वो आपको अटेंड करना होता है अगर आपको नहीं पता है स्टूडेंट कॉलेज क्या होता है तो मैं अभी वो भी बताऊँगी बट अगर आप आई सी बोर्ड से हो या फिर सी बी एस सी बोर्ड से हो या फिर किसी स्टेट बोर्ड से हो तो आपको एक साल का स्टूडेंट कॉलेज करना मैंडेटरी है उसके बिना आप बैचलर्स प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकते बट अगर आप कैम्ब्रिज बोर्ड से पढ़ रहे हो या फिर आपके स्कूल में आई बी बोर्ड चलता है तो आप डायरेक्टली बैचलर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो अब बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट कॉलेज क्या होता है तो स्टूडेंट कॉलेज आपका एक साल का आप कह सकते हो कि एक फ़ाउंडेशन प्रोग्राम है जिसमें बच्चे को प्रिपेयर किया जाता है जर्मनी में बैचलर्स प्रोग्राम करने के लिए तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं या तो आप प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज अटेंड कर सकते हो जर्मनी में आके या फिर आप पब्लिक स्टूडेंट कॉलेज के लिए जर्मनी में अप्लाई कर सकते हो अब पब्लिक स्टूडेंट कॉलेज में अप्लाई करने के लिए कुछ मिनिमम क्राइटेरियाज होते हैं एक तो आपको 12 साल की अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी होगी सेकंड आपको बी वन लैंग्वेज आनी चाहिए जर्मन की तभी आप अप्लाई कर सकते हो तभी आप एग्जाम दे सकते हो एक अपनी सीट रिजर्व करने के लिए पब्लिक स्टूडेंट कॉलेज में अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है पब्लिक और प्राइवेट में तो अगेन जब आप पब्लिक स्टूडेंट कॉलेज में जाते हो तो उसकी ट्यूशन फ़ीस ज़ीरो होती है बट अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज में जाते हो तो वहाँ पर आपको ट्यूशन फ़ीस देनी होती है अगर आपको और जानना है स्टूडेंट कॉलेज के बारे में तो उसकी एक लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के क्या नाम है क्या स्कूल्स हैं जो ये प्रोग्राम कराते हैं आपको कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा यहाँ पे सीट बुक करने के लिए उसकी सारी डिटेल्स उस पेज पे है एक और ऐसी कंडीशन है जिसमें आप स्टूडेंट कॉलेज स्किप कर सकते हो वो कैसे वो अगर आप मान लीजिए साइंस के स्टूडेंट हो और आप आईआईटी आई एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो तो आपको डायरेक्टली बैचलर्स प्रोग्राम में आपको परमिशन मिल सकती है पढ़ने की या फिर अगर आप बैचलर्स प्रोग्राम में ऑलरेडी एनरोल कर लेते हो जैसे अगर आप इंडिया से आ रहे हो आप बीटेक करना चाहते हो तो अगर आपने कहीं पे इंडिया में बीटेक ऑलरेडी एक साल का कर लिया है तो वो थर्टीन ईयर एजुकेशन का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है और आप यहाँ पे आके मतलब यहाँ पे आके नहीं आप बैचलर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो और आप जब सेलेक्ट हो जाओगे तो आपको आपको वापस से फर्स्ट ईयर में यहाँ पे एडमिशन मिलेगा जर्मनी में तो ये थी पूरी डिटेल्स स्टूडेंट कॉलेज के लिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता है उनको लगता है कि ट्वेल्थ के बाद डायरेक्टली आके बैचलर्स के लिए पढ़ाई की जा सकती है बट ऐसा नहीं है आपको स्टूडेंट कॉलेज के लिए अपियर करना पड़ेगा आपको एक साल का फाउंडेशन कोर्स करना पड़ेगा अब बात कर लेते हैं मास्टर्स के लिए मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो अगर आपको जर्मनी से मास्टर्स करना है तो बेसिक यही रिक्वायरमेंट है कि या तो आप बैचलर्स कंप्लीट कर चुके हैं या फिर आप लास्ट ईयर होंगे कंप्लीशन के बाकी अगर आप यूनिवर्सिटी ढूंढते हो कोर्सेज़ ढूंढते हो जर्मनी में तो वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है कि वो फोर ईयर ऑफ बैचलर्स मांग रहे हैं या फिर वो थ्री ईयर्स ऑफ बैचलर्स में अगर मान लीजिए आपने बी किया है बी किया है या बी किया है तो इसका एक्सेप्टेंस का पूरा इसका ज़िम्मा जो है वो यूनिवर्सिटी का है तो ये डिफ़र करता है और ये हर यूनिवर्सिटी में अलग प्रोसेस है तो आपको चेक करना होगा कि आपकी थ्री इयर्स का बैचलर्स प्रोग्राम वैलिड है कि नहीं है फोर इयर्स का वैलिड है कि नहीं है सो so, ये था एक ब्रीफ़ इंट्रोडक्शन बैचलर्स और मास्टर्स प्रोग्राम के लिए कि क्या मिनिमम क्राइटेरिया होने चाहिए अप्लाई करने के लिए जर्मनी में अब हम बात करते हैं कि फाइनली जब एप्लीकेशन आपको जब अप्लाई करना हो जब एप्लीकेशन की बात आती है तो क्या करना होगा इस पूरे प्रोसेस को मैंने तीन स्टेप में डिवाइड किया है जिसमें पहला स्टेप ये है कि आप ये जान लें कि आपको किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है और उस कोर्स की क्या डेडलाइन है तो जब भी आप यूनिवर्सिटीज फ़िल्टर कर रहे हो मेरा यही रिकमेंडेशन रहता है कि आप 10 से 15 यूनिवर्सिटीज़ और 10 से 15 कोर्सेज़ शॉर्टलिस्ट कर लें अपने प्रोफाइल के हिसाब से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उनकी डेडलाइंस नोट कर लें इससे आपको ये पता रहेगा कि आपके पास कितना टाइम है सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने में एंड देन आप अप्लाई करें जर्मनी में इंटेक्स दो बार होते हैं एक साल में एक समर इंटेक होता है एक विंटर इंटेक होता है तो डेडलाइन का बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है आपको और यही मैं पहला स्टेप रिकमेंड करूँगी सेकेंड स्टेप होता है सारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो आपने शॉर्ट लिस्ट की हैं कोर्स हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग होती हैं तो आपको पेपर डॉक्यूमेंटेशन करना है पेपर्स प्रिपेयर करने हैं देन उसको देन उस यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना है यह है हमारा सेकेंड स्टेप तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो या तो आप खुद कर सकते हो आप अपने गाइडलाइंस पढ़िए जिस कोर्स में आपका इंटरेस्ट है वो देखिए जहाँ पे आप पढ़ना चाहते हैं और वहाँ के लोगों से कनेक्ट कीजिए और जानिए उस यूनिवर्सिटी के बारे में और अगर आपको वहाँ का कोई एल्युमिन मिल जाता है तो आप उस वहाँ के कल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में और अच्छी तरीके से पूछ सकते हो देन एप्लीकेशन और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको सारे पेपर्स प्रिपेयर करने हैं और डेडलाइन से पहले उसको सेंड करना है इसके अंदर आपको एस ओ पी भी लिखना होता है एल ओ आर भी लिखना होता है और कई बार तो मुझे इंस्टाग्राम पे ऐसे भी मैसेजेस आते हैं कि मैम क्या एस ओ पी और एल ओ आर एक चीज़ होती है तो ऐसे छोटे मोटे डाउट्स आते रहते हैं तो आप उसको पढ़ सकते हो आप देख सकते हो कुछ सैम्पल्स वगैरह रेफ़र कर सकते हो एंड देन अप्लाई कर सकते हो अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि आपकी उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है आपको प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई हो जो आपका पूरा हेल्प करा दे या फिर कोई आपको थोड़ा ऐसे सपोर्ट प्रोवाइड करे कि गाइड कर दे कैसे करना है उसके लिए आप प्रोफेशनल्स की हेल्प ले सकते हो अब प्रोफेशनल्स की आप बात करोगे तो मेरी अभी कुछ दिन पहले बात हुई है लेवरेज लेवरेजू की टीम से उनका एक प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं यूनी वाली प्रोग्राम उसमें वो उन स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं जो कि फॉरेन कंट्री में पढ़ना चाहते हैं फॉरेन कंट्री से मेरा मतलब है कि जर्मनी भी कवर करते हैं यू भी कवर करते हैं लंडन भी कवर करते हैं आई मीन यू पूरा कवर करते हैं न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया आपको ऐसी किसी भी कंट्री में पढ़ना हो तो उनके पास प्रोफेशनल्स हैं जिनसे आप हेल्प ले सकते हो और वहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो उनका एक थर्टी मिनट्स का फ्री सेशन भी है जिसकी पूरी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी डाल रही हूँ और स्क्रीन पे भी फ्लैश कर दूँगी ताकि आप वहाँ पे जाके रजिस्टर कर पाओ सो so, जब आप उनका थर्टी मिनट का फ्री सेशन ले लोगे आपको खुद रियलाइज़ होगा कि वो प्रोफेशनल्स क्यों हैं उनकी एक्सपर्टीज़ है इस डोमेन में आपको खुद पता चल जाएगा और आप उनसे डॉक्यूमेंटेशन एस ओ पी एल ओ आर के अलावा आप वीज़ा प्रोसेस में भी हेल्प ले सकते हो अगर आपको एजुकेशन लोन की ज़रूरत है आप उससे भी गाइडेंस सीख कर सकते हो उनसे और मतलब ए टू जी आपको सारी हेल्प मिल जाएगी इन सारे बेनिफिट्स के साथ आपको स्कॉलरशिप की डिटेल्स स्कॉलरशिप के ऑप्शंस भी अवेलेबल कराता है लेवरेज तो आप उनसे कांटेक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो अब फाइनल और थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं जो कि ये है कि रिजल्ट का वेट करना तो अब आपने अगर अप्लाई कर दिया है तो आपको रिजल्ट का वेट करना है और अगर आपको जैसी एडमिट मिल जाता है वीज़ा अप्लाई करना है देन जर्मनी के लिए फ्लाई करना है तो ये थे तीन स्टेप्स जो मैंने आपको एक कंप्लीट गाइड बता दिए कि जर्मनी में अगर पढ़ना हो तो मिनिमम क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने चाहिए आपको यूनिवर्सिटीज़ कैसे शॉर्टलिस्ट करनी है अप्लाई कैसे करना है देन अप्लाई के बाद जब आपका एक्सेप्टेंस आ जाता है तो आपको वीजा अप्लाई करना है और वीजा अप्लाई करने के बाद आप फ्लाई करके जर्मनी आ सकते हो सो so, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लिख के जरूर बताइएगा सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग बाय